नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के हरदोई के घंटाघर मार्ग पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहां पर अवैध रूप से पार्क की गई 25 बसों को अपने कब्जे में ले लिया। सभी बसों को पुलिस लाइन भेजा गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बसों के संचालकों से वार्ता करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में तमाम मार्गों पर अतिक्रमण है। इसके अलावा शहर के अति महत्वपूर्ण मार्ग घंटाघर मार्ग पर सड़क किनारे अवैध तरीके से पार्किंग की गई है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा यहां से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कहीं कोई निर्देश पालन नहीं हो रहे थे। इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर सीओ सिटी व एसआरटीओ के नेतृत्व में यहां अभियान चलाया गया। उस अभियान में प्रशासन ने अवैध तरीके से पार्क की गई 25 बसों को पुलिस लाइन भेजा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बसों के संचालकों से वार्ता करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन तथा परिवहन के अधिकारियों के नेतृत्व में जो प्राइवेट बसें अवैध रूप से इधर उधर पार्क की जाती हैं, जिसकी वजह से आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, जाम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा आम जन को जिससे परेशानी होती है, आज एक अभियान चलाया गया, चला करके उनको हटाया गया है तथा 25 के करीब बसों को पुलिस लाइन में ले जा कर के खड़ा किया गया है और उस पर उन लोगों से वार्ता करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।